हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोर टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 4 द सुप्रीम कोर्ट। और इस चैप्टर पे ये मेरा थर्ड वीडियो है। ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके जितना भी सिलेबस है, लाइक मीन्स सुप्रीम कोर्ट से जितना भी सिलेबस है आपका, लाइक ऑल द ज्यूरिसडिक्शंस, द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब मैं कवर कर रही हूँ। ओके, सारे ज्यूरिसडिक्शन जो है, लाइक ओरिजिनल, एपिलेट, रिवाइसरी, बाकी जितने भी ज्यूरिसडिक्शंस है, सब कुछ मैं ये दो वीडियोस में कंप्लीट की हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिट्स के बारे में। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये रिट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। मीन्स हर एक रिट जब हम पढ़ते हैं देन आपको उतना समझ में नहीं आता है, इजंट इट? बट आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रिट्स के बारे में और कोई डाउट नहीं होगा। सो वॉच टिल द एंड। ओके, फर्दर मोर अगर मैं सिलेबस की बात करूं, लाइक हिस्ट्री एंड सिविक्स का आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम के लिए, देन हिस्ट्री का बस और नैम कवर करना बाकी, दैट इज नॉन अलाइड मूवमेंट, जो मैं जल्दी ये वीडियो अपलोड होने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो ओके नेक्स्ट इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस जो है 3-4 वीडियोस ज्योग्राफी पे लेके आऊंगी, दैट इज फॉर मैप्स, ओनली फॉर मैप्स, क्योंकि मैप्स में भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है ये कहां पर क्या मार्क करना है। तो इसी वजह से कुछ 3-4 वीडियोस होंगे जो मैप पर होंगे, उसके बाद तुरंत ही आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट पे। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट पे वीडियो चाहिए, सो दैट विल आल्सो कम। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट हिस्ट्री का सेमेस्टर 2 एग्जाम्स के लिए नैम को छोड़कर बाकी सारा चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच देम। और अगर मैं सिविक्स की बात करूँ देन ये इस वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा, देन हमारा हाई कोर्ट एंड अदर सबोर्डिनेट कोर्ट्स बाकी है, जो भी जिस पर भी मीन्स उस चैप्टर पर भी वीडियो जल्द ही आ जाएंगे। ओके, एंड फर्दर मोर इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी, देन ज्योग्राफी का आपका पूरा सिलेबस मैं ऑलरेडी कंप्लीट करके चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। एंड रिड्यूस सिलेबस हिस्ट्री और ज्योग्राफी का तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जल्द ही फिजिक्स का भी आएगा। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल रिट्स क्या है, इजंट इट? तो फर्स्ट आई विल राइट अ डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन, एंड यू ऑल्सो राइट इट इन योर बुक, क्योंकि आपके बुक में रिट क्या है ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन या उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, रादर ये टाइप्स ऑफ रिट्स जो है, लाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्शररी एंड कोवेरेटो, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, इजंट इट? सो इट वुड बी बेटर कि आप रिट्स क्या है डेफिनेशन एक बार लिख ले, क्योंकि बाद में आप जब रीड करेंगे तो आप जब ये डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। ओके, सो ए रिट is an order from a judicial authority asking a person or asking a person to perform some acts or to refrain from performing or to refrain from performing an act. Okay, so this is the definition. Ek bar aap dekh le. So what is a writ? A writ is an order from a judicial authority asking a person or a body. Okay, asking a person or a body to perform some acts or to refrain from performing an act. Okay, this is a writ. Ab iska matlab kya hai? इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ जुडिशियल अथॉरिटी। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये पता चला कि रिट जो है उसे इश्यू करता है जुडिशियल बॉडी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ओके, या फिर हाई कोर्ट। ओके, सो कोर्ट्स जो है रिट इशू करते हैं।
अब ये रिट क्यों इशू किया जाता है? रिट जो है एक पर्सन को या फिर एक गवर्नमेंट बॉडी को या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को दिया जाता है। क्या क्यों दिया जाता है? ताकि वो लोग कोई पर्टिकुलर एक्ट जो है वो लोग कोई पर्टिकुलर एक्ट करे, कोई पर्टिकुलर चीजें करे, वर्क करे, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीजें ना करे। अंडरस्टूड? या फिर रिफ्रेन मीन्स नहीं करना, ओके, मना करना, या फिर कुछ पर्टिकुलर एक्ट ना करे। अंडरस्टूड? दिस इज अ रिट। ओके, जब हम ये पांचों रिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है टू परफॉर्म सम एक्ट और टू रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्ट, ये क्या है ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो पहला है हमारा हैबिस कॉर्पस। सो फर्स्ट लेट मी रीड आउट व्हाट इज रिटन इन योर बुक, देन आई विल डिफाइन इट, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इट मींस टू हैव द बॉडी हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी। By issuing such a writ, the High Court or the Supreme Court can get the body of any person released if it has been unlawfully detained by any person or a group of persons or by the state. This writ is thus a great safeguard for the personal freedom of a citizen. Yani ki, agar kisi vyakti ko और कोई व्यक्ति या फिर और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या फिर और कोई गवर्नमेंट बॉडी मीन्स लॉ के अनुमति के बगैर अगर किसी व्यक्ति को रख दिया गया है, ओके, डिटेन कर दिया गया है, देन जब ये जो हैबिस कॉर्पस है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इशू करेगा, देन इट इज कंपल्सरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर बॉडी टू रिलीज दैट पर्सन हु हैज बीन केप्ट अनलॉफुली। अनलॉफुली का मतलब है लॉ के अनुमति के बगैर जो काम कर रहे हैं, अंडरस्टूड, विच इज रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ लॉ। अंडरस्टूड? अब एक एग्जाम्पल देते हो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी, अगर पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, दैट टू विदाउट वारंट, और वो पर्सन को 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया है, देन वो पर्टिकुलर पर्सन के रिलेटिव जो है या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन के जान पहचान के लोग क्या कर सकते हैं? हैबियस कॉर्पस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। देन जब कोर्ट हैबियस कॉर्पस इशू कर देगा, देन इट इज कंपल्सरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू रिलीज दैट पर्सन। अंडरस्टूड? सो दिस इज हैबियस कॉर्पस। अंडरस्टूड? टू परफॉर्म सम एक्ट इट्स अ हैबियस कॉर्पस। तो क्या हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट इशू करे या फिर हाई कोर्ट इशू कर रहे तो वो एक ऑर्डर है। किस पर? इस एग्जाम्पल में वो ऑर्डर किसको फॉलो करना है? पुलिस ऑफिसर को फॉलो करना है। अंडरस्टूड? एंड तो वो ऑर्डर में क्या कहा जा रहा है? टू परफॉर्म सम एक्ट, विच इज दैट एक्ट, कि वो पर्सन को जिसे तुम अनलॉफुली डिटेन करके रखे हो उसे रिलीज करो, ये है ऑर्डर। अंडरस्टूड? सो दिस इज हैबियस कॉर्पस। ओके, आई होप इट्स क्लियर। एंड सो इसका फायदा क्या होता है? इफ सपोज, ओके, वन मोर थिंग, अगर जो पुलिस ऑफिसर है अगर वो हैबियस कॉर्पस को नहीं मानेगा, देन ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी एनीथिंग डिसाइडेड बाय द लॉ। अंडरस्टूड? सो इट इज अ कंपल्शन ऑन द पुलिस ऑफिसर और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन और एनी बडी कि अगर कोर्ट एक ऑर्डर दिया है देन उसे फॉलो करना जरूरी है। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट हैबियस कॉर्पस इज। ओके, इधर एक लास्ट सेंटेंस लिखा गया है, दिस रिट इज दस अ ग्रेट सेफगार्ड फॉर द पर्सनल फ्रीडम ऑफ ए सिटीजन। यस, अगर किसी मीन्स एक व्यक्ति के पर्सनल फ्रीडम के लिए ये रिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज पर लॉ अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया है देन इट शुड बी विथ वारंट, एंड इफ सपोज मीन्स इफ सपोज अरेस्ट किया गया है देन इट इज कंपल्सरी कि 24 आवर्स के अंदर वो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और अगर नहीं पेश किया जा रहा है देन दिस रिट कैन बी इशूड। अंडरस्टूड? सो इससे क्या होता है, जो पर्सनल फ्रीडम है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ऐसा कोई रिट नहीं होता देन
पुलिस ऑफिसर या जो भी ये गलत काम कर रहा है वो अपना गलत काम चलाते रहते, isn't it? They would be misusing their power. इधर मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही थी पुलिस ऑफिसर का, क्योंकि वो जल्दी समझ में आएगा आपको. इस तरह के और भी बहुत सारे सिचुएशंस अराइज होते हैं जहां पर हैबिस कॉर्पस यूज किया जाता है, हैबिस कॉर्पस अप्लाई किया जाता है. अंडरस्टूड? सो विद दिस वी कवर व्हाट इज हैबिस कॉर्पस. नेक्स्ट इज मैंडमस. ओके, यस, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट रीट आई विश कि आप क्या करें, और एक बार ये जो हैबिस कॉर्पस है जो आपके बुक में लिखा गया है डेफिनेशन, उसे और एक बार पढ़े. क्यों? अभी मैं आपको समझा दी. सो अगर आप इसे और एक बार रीड करेंगे देन हाँ आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये लाइन का मतलब यही है, एंड दिस इज बीइंग डन इन हैबिस कॉर्पस. अंडरस्टूड? ओके, आप वीडियो पॉज करेंगे, रीड करेंगे, देन ही आप सेकेंड रीड पे चलेंगे. ओके, so the second writ is writ of mandamus. In Latin it means we order. Mandamus का मतलब क्या है? Mandamus का मतलब है we order. और habeas corpus का मतलब क्या है? To have the body. Okay, to have the body means to have the person released. Understood? Habeas corpus का मतलब है to have the body, mandamus का मतलब है we order. ये mandamus जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है we order. ये सब आप याद रखेंगे. ओके, इट इज अ कमांड और एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटी. ओके, ये जो है ये भी एक जुडिशियल ऑर्डर ही है. ये जो सुपीरियर कोर्ट है अपने लोअर कोर्ट को इश्यू करता है, या फिर सुपीरियर कोर्ट जो है और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी को इश्यू करता है. ओके, लाइक सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को इश्यू कर सकता है, हाई कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर इश्यू कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी पर इश्यू कर सकता है. अब इसका मतलब क्या है? ये रिट इशू करके ये बोलते हैं किसी लोअर कोर्ट को या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी को दैट यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटीज और यू शुड डू योर जॉब. दिस रिट इज इशूड सो दैट द पर्सन और द ऑथोरिटी और द लोअर कोर्ट विल डू इट्स जॉब. ओके, सपोज किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी को ये रिट इशू किया गया है, मीन्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी जो है उनका काम नहीं कर रहे. सपोज वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है. ओके, एंड दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब. इस सिचुएशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये रिट ऑफ मैंडमस इश्यू करा के बोल सकता है कि आपका जॉब आप नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ये प्रॉब्लम है एंड यू आर नॉट डूइंग योर जॉब. ओके, तो जब ये रिट इश्यू हो जाता है देन that it's compulsory for them that they will take up their job and do it. Understood? So this is writ of mandamus. Kya hai? Means it is an order from a high court or a supreme court to the lower court or the judicial or the administrative authority to do their job. Understood? Next is writ of prohibition. ओके, अगेन एज आई सेड, आप पहले रिट ऑफ मैंडमस आपके बुक में क्या डेफिनेशन दिया गया है आप पढ़ेंगे, देन ओनली यू विल मूव फॉरवर्ड. ओके, सो रिट ऑफ मैंडमस हम कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन. व्हाट इज इट? लेट्स सी. द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन अ केस विच माइट बी इन एक्सेस ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट. ओके, ये भी एक सुपीरियर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को इश्यू करता है. लाइक सुपीरियर कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट है देन उसका लोअर कोर्ट हाई कोर्ट आएगा, अगर हाई कोर्ट है देन उसका लोअर कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे. अंडरस्टूड? तो इस तरह से रिट सारे इश्यू होते हैं. सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को इश्यू करते हैं. तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन इश्यू करके या फिर देखकर जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को बोल सकते हैं कि कोई केस चल रहा है जिस पे लोअर कोर्ट हियरिंग कर रहा है, देन इट कैन से द लोअर कोर्ट कि आप और हियरिंग नहीं करेंगे इस केस पे. क्यों? बिकॉज इट इज इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर.
ओके एज यू नो हर एक कोर्ट के एक ज्यूरिस्डिक्शन है, ओके एक एरिया है, एक रेंज ऑफ पावर है. ओके अगर कोई लोअर कोर्ट उसके रेंज ऑफ पावर से बड़ा केस ले लेता है, देन दिस रिट इज इश्यूड बाय द सुपीरियर कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जो है, आप पढ़ चुके हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन क्या है, लाइक सेंटर स्टेट डिस्प्यूट या इंटर स्टेट डिस्प्यूट है. अगर इस तरह का ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, वैसे केसेस अगर स्टेट अगर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है वैसे केसेस की, देन द सुपीरियर कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू टू दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट कि आप ये केसेस को और प्रोसीड नहीं कर सकते, बिकॉज सच केसेस आर नॉट अंडर योर ज्यूरिस्डिक्शन. अंडरस्टूड? ओके तो मना कर देना कि आप इस केस पे और सुनवाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे कांट टेक डिसीजन बिकॉज दैट पर्टिकुलर केस, उस केस में जो इश्यू है वो उनके रेंज के अंडर नहीं आता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज रिट ऑफ सर्श्योररी. ओके अगेन आई विल से आप वीडियो पॉज करेंगे और इसे पढ़ेंगे. ओके एक बार रीड करेंगे. यस then the next writ, that is the fourth writ, is writ of certiorari. What is it? This writ is issued by a superior court to a judicial authority, desiring to be informed of what is going on. Okay, like ek lower court mein, let's suppose high court mein, theek hai, high court mein case chal raha hai. Now, the Supreme Court has the power कि वो High Court को बोले कि अभी जो केस चल रहा है या फिर जो केस खत्म हो चुका है उस पर जो भी सुनवाई हुई उसका जो भी evidences है पूरा जो document है वो Supreme Court को दिया जाए. That is writ of certiorari का मतलब है to ask for the documents. Understood? See, और एक बार आप सुनेंगे. Means to be informed of what is going on. Means जो lower court है उन्हें बताना पड़ेगा कि supreme court को जो higher court को बताना पड़ेगा कि ये case में चल क्या रहा है, ये case का proceedings कहाँ है, means proceedings कहाँ तक पहुंचा, क्या चल रहा है, ये सब उन्हें बताना पड़ेगा. कैसे बताएंगे? Obviously जो documents है वो present करेंगे, isn't it? अब जाके वो मुंह में थोड़े ना बोलेंगे. They will not speak, isn't it? They will give the documents. Understood? और एक बार आप सुनेंगे. This writ is issued by a superior court to a judicial authority. Okay, judicial authority means they can ask it to the high court or the district courts, anything. Understood? Judicial authority desiring to be informed of what is going on. Understood? To be informed of what is going on. बताने के लिए क्या ये writ ये ऑर्डर इसलिए पास करें ताकि जो लोअर कोर्ट है वो बताए हायर कोर्ट को कि ये केस जो अभी सुनवाई हो रही है उसमें क्या चल रहा है. अंडरस्टूड? दो इट अपीयर्स सिमिलर टू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, देयर इज अ डिफरेंस. रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड व्हेन सर्टेन प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन. द रिट ऑफ सर्शरी इज इश्यूड आफ्टर द कोर्ट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड बाय द After the order has already been passed by the lower court. Okay? Writ of prohibition क्या होता है, इसमें difference क्या है ये दोनों में? Writ of prohibition जो है ये superior court तब issue कर सकता है जब कोई case चल रहा हो, जब कोई case की सुनवाई हो रही होगी. So in middle of that कोई order pass नहीं हुआ होगा. Okay? जो lower court इसे सुन रहा है उसने कोई order pass नहीं किया होगा, उससे पहले ही writ of prohibition लगाकर जो हियरिंग चल रहा है वो केस में वो उसे मना मीन्स उसे स्टॉप कर सकते हैं. बट रिट ऑफ सर्श्योरिटी में वो केस की सुनवाई हो गई होगी, दैट इज एक जो लोअर कोर्ट ये केस को सुन रहा होगा वो उस केस के लिए एक जजमेंट पास कर चुका होगा. उसके बाद जो है जो हमारा सुपीरियर कोर्ट है वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है कि क्या हुआ था वो केस में, उसका हियरिंग कैसा चल रहा था, क्या ऑर्डर पास हुआ, ये सब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो सुपीरियर कोर्ट मांग सकता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज रिट ऑफ सर्श्योररी. ओके वन मोर थिंग, इधर मैं क्या लिखी हूँ, टू परफॉर्म सम एक्ट्स. तो हम देखे कि हैबियस कॉर्पस में टू परफॉर्म सम एक्ट्स है. रिट ऑफ मैंडमस में वी ऑर्डर क्या ऑर्डर कर रहे थे, रिट ऑफ मैंडमस में वी ऑर्डर कर रहे थे कि यू शुड परफॉर्म टू डू योर जॉब, इजंट इट?
रिट ऑफ मैंडमस में अगेन वी ऑर्डर टू डू योर पर्टिकुलर जब जुडिशियल अथॉरिटी को या लोअर कोर्ट को वो इश्यू कर रहे थे ताकि वो अपना काम ढंग से करे. सो दिस इज अगेन टू परफॉर्म सम एक्ट्स. रिट ऑफ प्रोहिबिशन में वो मना कर रहे थे कि केस इज एन दिस केस इज इन एक्सेस ऑफ योर ज्यूरिसडिक्शन, तो आप इसे नहीं सुन सकते. सो दैट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग सम एक्ट. अंडरस्टूड? क्यों लिखा गया है टू परफॉर्म सम एक्ट और टू रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्ट. और रिट ऑफ सर्श्योरिटी में अगेन वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं. चलते हैं अब. ओके, सो विद दिस रिट ऑफ सर्श्योरिटी भी कंप्लीट हो गया. तो आप फिर से रीड करेंगे कि आपकी बुक में क्या टेक्स्ट दिया गया है. अंडरस्टूड? उसके बाद ही आप नेक्स्ट रिट में चलेंगे. दैट इज को वारंटो. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. इट मींस बाय व्हाट ऑर्डर. ओके, बाय व्हाट ऑर्डर मींस कौन से ऑर्डर के हिसाब से. अंडरस्टूड? लेट्स सी व्हाट इट इज. इट इज इश्यूड व्हेन अ पर्सन हैज सर्व्ड एन ऑफिस. दिस रिट दस प्रिवेंट्स पब्लिक ऑफिसर्स फ्रॉम फोसिबली और रॉन्गली होल्डिंग अ हाई पब्लिक ऑफिस. यानी कि एक पर्सन है और एक जॉब वैकेंसी है. अंडरस्टूड? एक गवर्नमेंट जॉब है. ओके, एक गवर्नमेंट जॉब का पोस्ट है जिस पर एक सपोज एक जॉब पोस्ट है. ओके, और एक पर्सन ए जो है ये जॉब पोस्ट ले लिया है. ओके, बाय सम मीन्स. अंडरस्टूड? बाय सम इलीगल मीन्स, बाय सम अनलॉफुल मीन्स जो पर्सन ए है वो ये जॉब पोस्ट को ऑक्यूपाई कर चुका है. अंडरस्टूड? बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जॉब पोस्ट के लिए जो क्राइटेरियाज है, जो क्वालिफिकेशंस है, वो सब इनके पास नहीं है. या फिर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ सर्टिफिकेट्स जो है इलीगली बनाकर लाए हैं. देन अगर कोर्ट को पता चलता है, अगर कोई कंप्लेन देता है, देन द कोर्ट हैज द पावर, द कोर्ट हैज अ रिट दैट इज को वारंटो, जिससे वो पूछेंगे कि आप ये पोस्ट जो है कौन से मींस हाउ यू आर होल्डिंग दिस पोस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द क्वालिफिकेशंस फॉर दैट पोस्ट. तो अब जो पर्सन ए है जो ये पोस्ट को ऑक्यूपाई किया है, ही इज बाउंड कि वो बताए, कि वो कोर्ट के सामने प्रूफ करे अगर वो गलत नहीं है. ओके, अगर वो गलत नहीं है देन ही हैज टू प्रूव हिज इनोसेंस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. और अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाया देन ऑब्वियसली ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. अंडरस्टूड? दिस इज तो को वारंटो का मतलब क्या है, बाय व्हाट ऑर्डर. अंडरस्टूड? अभी आपको समझ में आ गया को वारंटो क्यों इश्यू किया जाता है. और एक बार आप देखेंगे, इट मीन्स बाय व्हाट ऑर्डर. इट इज इश्यूड व्हेन अ पर्सन हैज असर्व्ड एनी ऑफिस. असर्व्ड एनी ऑफिस का मतलब है कोई पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो कब्जा कर लिया है. अंडरस्टूड? हैज असर्व्ड एनी ऑफिस. दिस रिट दस प्रिवेंट्स पब्लिक ऑफिसर्स फ्रॉम फोर्सिबली और रॉन्गली होल्डिंग अ हाई पब्लिक ऑफिस. अंडरस्टूड? So within some time limit, he has to prove it in front of the judge or in front of the court कि मैं जो ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ. और अगर वो नहीं एलिजिबल है then obviously he cannot prove it and if he cannot prove it then obviously he will face the consequences. Understood? So with this we come to the end of this video. तो हमारा जो चैप्टर 4 है द सुप्रीम कोर्ट, ये इधर कंप्लीट होता है. आई होप कि रिट से रिलेटेड सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन, सारे डर ये वीडियो देखने के बाद दूर हो गया होगा. नाउ अगेन इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, और अगर बहुत सारे डाउट्स आएंगे देन अगेन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. ओके, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द डाउट्स दैट यू हैव आस्क्ड. अंडरस्टूड? बिकॉज आई नो कि रिट्स में थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये वीडियो पूरा अगर आप देखें देन डेफिनेटली आपको उतना आपके पास उतना कोई कंफ्यूजन नहीं बाकी बचा होगा. बिकॉज आई हैव ट्राइड टू इंस्टिल सम एग्जाम्पल्स जो आप कैच कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय.